हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आपका स्वागत है मेरी क्लास में और आपका दोस्त अरु टेक्निकल आपके समक्ष आज फिर आ गए हैं। आज क्या लेकर के आ गए हैं? आज क्या देखेंगे? वेपर प्रेशर FM में। किस में देखेंगे? FM मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स जो मेरा चल रहा है, सोचा जा रहा है कि इसको कंप्लीट ही कर दिया जाए। फ्लूइड मैकेनिक्स को लास्ट तक देखा जाए और इसको कंप्लीट कर दिया जाए, तो इस केस में क्या देख लेंगे आज हम? दूसरा फिनोमिना वेपर प्रेशर। क्या देखेंगे? वेपर प्रेशर। कौन सा प्रेशर? एंड कैविटेशन। क्या हमने देख लिया आज का? वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। आज क्या देखोगे? वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। आज हम दो चीज़ें समझेंगे। पहला क्या है? वेपर प्रेशर, दूसरा कैविटेशन। तो हम वेपर को जानते हैं शायद आप लोग। वेपर वो चीज़ होती है जब हम किसी वाटर को बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, फिर वो भाप बन के उड़ने लगती है, तो वो वेपर फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाती है तब हम उसको वेपर बोलते हैं। और इस वेपर को होने में जो हम प्रेशर लगाते हैं उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या लिखो? वेपर प्रेशर। क्या लिखो यहाँ पे? वेपर प्रेशर को और अच्छा समझने के लिए इसमें लिखो कि जब जब हम किसी वाटर का प्रेशर उसके एटीएम प्रेशर से कम कर देते हैं, और वह वाटर जिस समय वेपर में बदलने लग जाता है तभी हम उसे क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। जिस समय जब हम किसी वाटर का प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर देते हैं और वह वाटर जिस समय वेपर में कन्वर्ट होकर बहने लगता है ऊपर की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। आप समझेंगे कि ये कौन सा टर्म्स है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? इसको हम एटीएम बोलते हैं। मतलब क्या समझो? एटमॉस्फेरिक, ए का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको क्या बोले हम? एटीएम प्रेशर। ये कितना होता है? एटमॉस्फेरिक 101.325 किलो पास्कल। कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा? 101.325 किलो पास्कल, जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो वातावरण का जो प्रेशर है जो अभी है प्रेजेंट टाइम पे, वो कितना है? 101.325 किलो पास्कल, जो मेरे ऊपर लग रहा है, जो आपके ऊपर लग रहा है, जो इस मार्कर पे लग रहा है। देखो ये गिर जा रहा है, इस पर कितना प्रेशर लग रहा है? 101.325 किलो पास्कल का प्रेशर इस पर नीचे की तरफ लग रहा है, जिसको हमने बोल लिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस केस में ये होता है जब लोग स्पेस में जाते हैं, जब मेरे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो वहाँ क्या सीन होता है? वहाँ ये प्रेशर ज़ीरो होता है। स्पेस में कितना होगा? स्पेस में एटीएम प्रेशर कितना होगा? ज़ीरो। क्या रीज़न है क्यों स्पेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़ीरो होता है? इसका रीज़न समझ लेते हैं हम। एटीएम प्रेशर स्पेस में ज़ीरो इसलिए होता है चूंकि स्पेस में एटीएम ही नहीं होता है, स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसलिए वहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर
भी नहीं होगा। सपोज दैट अगर ये मेरा मार्कर है तो इसके अंदर इंक भरी होगी, अगर मैं मार्कर हटा लूँ तो यहाँ पे मार्कर ही नहीं, तो इंक कहाँ से आएगी? तो जिस जगह पे एटमोसफेयर ही नहीं होगा वहाँ पे एटमोसफेरिक प्रेशर कैसे आएगा, ये चीज़ सोचने वाली। दूसरी चीज़, तो जब एस्ट्रोनॉट वापस आते हैं स्पेस में, मून वून पे जाते हैं, जब वापस आते हैं तो यहाँ पे चल नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि जब उनके ऊपर इतना प्रेशर वर्क करता है 101.325 किलो पास्कल का, तो वो गिर जाते हैं, वो उन पे बहुत हैवी हो जाता है। हम लोग इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि हम लोग जन्म ही यहीं लिए हैं, बचपन से आदत हो गई, और जब जिस चीज़ की आपको आदत हो जाएगी फिर आपको वो चीज़ें करने में तकलीफ़ नहीं होगी, आपको दर्द पेन आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको पढ़ने की आदत हो गई है तो फिर मतलब ही क्या है, फिर तो आपको उसमें ना तो दर्द होगा, ना नींद आएगी, ना चीज़ें भूलेंगे आप। अगर आपको पढ़ाई से लव हो गया है, पढ़ाई से आपको यदि आदत आपकी डल गई है, तो फिर ठीक है, फिर तो कुछ भी हो आप होंकते जाएंगे। तो ये चीज़ हुई यहाँ पे। अब हमने क्या देखा कि वेपर प्रेशर, वो प्रेशर है वेपर प्रेशर, वो प्रेशर है जो प्रेशर एटमोसफेरिक प्रेशर से कम है, मतलब मेरे एटमोसफेरिक प्रेशर से जो हम प्रेशर कम करेंगे और जिस समय वाटर मेरा वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एटमोसफेरिक प्रेशर, क्या बोलेंगे, सॉरी वेपर प्रेशर। तो एटमोसफेरिक मेरा इतना था, इतने प्रेशर मैंने कुछ ऐसा कुछ भी किया जिस वजह से वाटर का प्रेशर डिक्रीज होके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके वेपर ऊपर की तरफ, सपोज दैट आप चावल बनाते हैं, आप खाना बनाते हैं, तो जब आप उसको गर्म करते हैं कुकर को, तो देखते होंगे कुकर के पास सीटी लगाता है, उस सीटी से जो वाटर होता है वो वेपर बन के निकल रहा होता है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। और जो ये वेपर प्रेशर है 101.325 किलो पास्कल का, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 bar भी बोलते हैं, इसका दूसरी यूनिट क्या है, 1 bar भी इसको हम बोलते हैं। और आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा वेपर प्रेशर के बारे में। तो ये हुआ वेपर प्रेशर, क्या हुआ कि जब हम किसी वाटर को इतना गर्म किए या कोई भी प्रक्रिया किए, जब वो जो है मेरा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा, तो हमने उसको क्या बोल दिया, वेपर प्रेशर। आगे आते हैं, समझ लेते हैं कैविटेशन क्या होता है, क्या समझ लेते हैं कैविटेशन क्या होता है। अब जो ये कैविटेशन होगा इसका फॉर्म ये होगा कि जो मेरा एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा उससे भी ये लेस देन, जो मेरा वेपर प्रेशर होगा उससे भी लेस देन, इससे भी लेस देन, तब मेरा क्या कौन सा प्रेशर आएगा, कैविटेशन प्रेशर, कैविटेशन प्रेशर, कौन सा प्रेशर, कैविटेशन प्रेशर तब होगा जब एटमोस प्रेशर से भी डिक्रीज वेपर प्रेशर, उससे भी कम कैविटेशन प्रेशर, तब ये कौन सा प्रेशर, तो कैविटेशन प्रेशर। ये है क्या, ये कौन सी चीज़ है वो देख लेते हैं। देखिए कैविटेशन जो होता है इसका मेन फिनोमिना क्या होता है, बबल फॉर्मेशन, इसका क्या होता है, वेपर प्रेशर, इसका मेन फिनोमिना क्या है, मेन फिनोमिना ऑफ कैविटेशन ऑफ वेपर, कैविटेशन का मेन फिनोमिना ऑफ वेपर, वेपर प्रेशर कर लो, चलो तुम प्रेशर कह दो कोई दिक्कत नहीं, वेपर प्रेशर मेन फिनो किस, कैविटेशन का मेन फिनो फिनोमिना क्या है, कैविटेशन का मेन फिनोमिना का मतलब उसका तत्व है कैविटेशन। अब कैविटेशन की अगर हम और बात करेंगे आगे, तो क्या है, बबल, क्या है, बबल फॉर्मेशन, बबल फॉर्मेशन, दूसरा क्या है, बॉयलिंग, जब हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं, उबालते हैं वाटर को, तो भुक 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 वो उबलता रहता है, 100 टेम्परेचर पे किसी भी वाटर को हम बॉयल कर सकते हैं, फिर है बबल फॉर्मेशन। अब अगर उसमें बबल बन रहे, बबल का मतलब ये हुआ है कि कोई पानी गुब्बारा ऐसे बन जाए और फिर वो फूट जाए, गुब्बारा बन जाए फिर वो फूट जाए, गुब्बारा बन जाए लेकिन इसके अंदर वाटर ना हो, ये कौन सा स्थान है, खाली स्थान, कौन सा स्थान, खाली स्थान है, ये खाली स्थान है, इसके अंदर वाटर नहीं है, सिर्फ इसके अंदर क्या है, भाप है, इसके अंदर क्या है, वेपर है, इसके अंदर क्या है, वेपर है, और उस वेपर में कुछ प्रेशर है, तो जब इसमें कुछ प्रेशर है तो ऐसे करेगा ना तो पक से फूट जाएगा। ये फूटा, सपोज दैट मेरे पास ये बना हुआ एक, मेरे पास बनी हुई लोहे की रॉड,
लोहे के रॉड मान लो, या तो मान लो कि दीवार है लोहे की, यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, ये पानी बह रहा है। इस पानी में अगर बबल बने और चटाक से फूटे, तो जो फूटेगा बबल ना, तो इतनी प्रेशर से, जो वेपर प्रेशर है ना, इतनी प्रेशर से इसमें प्रेशर डालेगा इस दीवार पे कि ये दीवार चटक जाएगी। और अगर काफ़ी दिनों तक, साल दो साल तक कैविटेशन होता रहा, बबल बनते रहे, आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये दीवार जो लोहे की दीवार है, जो आयरन की दीवार है, बहुत मजबूत है, इसका धज्जियाँ उड़ा देगा और फिर हम इस दीवार को मेंटेन नहीं कर सकते। यदि मेरा कहीं पे कैविटेशन हुआ है, तो वहाँ पे मैं उस ऑब्जेक्ट को एज ए मेंटेन नहीं कर सकता हूँ, डायरेक्ट रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट इस चीज़ को यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी। इसको हम जो है रिप्लेस नहीं कर सकते, रिप्लेस करेंगे इसको मेंटेन नहीं कर सकते, इसकी रिपेयर नहीं कर सकते, इतना ये छरड़ हो जाएगा, इतनी ख़राब हो जाएगी, मतलब एकदम से लगेगा कि चूहों ने इसे काट लिया है और अंदर तक खोखला बना दिया है। इसको बोलते हैं हम कैविटेशन। बातें समझ में आई? सपोज दैट मेरे पास क्या है, एक नोज़ल है जिसमें प्रेशर डिक्रीज है, वेलोसिटी इंक्रीज है। मेरे पास एक दूसरा नोज़ल है उल्टा टाइप का, जिसमें प्रेशर इंक्रीज है, वेलोसिटी डिक्रीज है। अब अचानक ये जब यहाँ पे पानी मेरा फ्लो होता हुआ, पानी फ्लो होता हुआ यहाँ पे आएगा, और फिर ये देखो यहाँ पे फ्लो बहेगा, तो इस दीवार पे अगर बबल बने और अगर बबल पकाक से फूट गए, हर सेकंड में बबल बनते रहें, तो क्या सीन आएगा वहाँ पे? वहाँ पे आप दीवारों को रोक नहीं पाएंगे और इतना ज़्यादा छड़ हो जाएगा इसका कि आप जो है अनकंट्रोल्ड चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर की वजह से जो कैविटेशन होता है उसको बोलते हैं। तो कैविटेशन मेन फिनोमिना क्या है? वेपर प्रेशर, बबल फॉर्मेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है। वेपर प्रेशर क्या है कि जब हम किसी वाटर को इस प्रेशर पे गर्म किए या कुछ भी किए, जिस जगह पे वो वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसको हमने क्या बोला? वेपर प्रेशर। एटमोसफेयर प्रेशर मेरा 101.325 पास्कल है, किलो पास्कल, यदि उसको हम बोले तो 1 bar भी बोल सकते हैं। उस प्रेशर से जब हम किसी प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, जब हम वाटर के प्रेशर को अपने एटमोसफेयर प्रेशर से डिक्रीज करते हैं और वो वाटर और उस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे वेपर फॉर्म में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर, कैविटेशन। अच्छा, वेपर प्रेशर जो होगा, अब समझो एक चीज़ और समझो, यहाँ पे सीन क्या आ गई कि वेपर जो प्रेशर होता है आपका, मान लो ये क्या है VP, मतलब वेपर प्रेशर, ये क्या है कैविटेशन। अब जो आपका वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, तो सपोज दैट हम वहाँ पे देखेंगे जहाँ पे, जैसे मान लो कुकर है, मान लो ये मेरा कुकर है, ठीक है, हाँ ये मेरा कुकर है, इसमें हम वेपर प्रेशर देखेंगे। ये मेरी एक कोई नोज़ल है, ये मेरी एक कोई पाइप है, ये क्या मेरी कोई है? पाइप। ये मेरी क्या है? कोई पाइप, ठीक है, जिसमें वाटर बह रहा, जिसमें वाटर बह रहा है, इसमें क्या है? प्रेशर। अब अगर हम सीधा सा फंडा देखें तो क्या देखेंगे, इसमें इसमें यदि हम पानी रख दें और इसको गर्म कर दें, तो कुछ देर बाद तो ये गर्म होता 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 टाइम आएगा कि सू करेगा, सीटी यहाँ से निकलेगी, तो वहाँ से क्या निकलेगा? प्रेशर। लेकिन ये जो नोज़ल है, जो नोच है, जो पाइप है, जो वियर है, उसमें से जब पानी का फ्लो करेंगे, फ्लोइंग करेंगे, बहाव करेंगे, तो वहाँ पे हमें कैविटेशन देखने को मिलेगा। कैविटेशन हमें कुकर में नहीं देखने को मिलेगा, कैविटेशन हमें वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे फ्लोइंग चीज़ें हो रही होंगी, जहाँ पे चीज़ें मूव कर रही होंगी, फ्लो बेल्टी कर रही होंगी, वहाँ पे कैविटेशन आएगा। लेकिन वेपर ओनली फॉर ओनली मेरा कहाँ पे आएगा? जिस जगह पे मान चलो ये आपका कोई फ्लोइंग है, मान चलो ये आपका, तो हम पाइप है, जो प्लास्टिक का पाइप है, इसको हम गर्म करेंगे तो क्या सीन होगा? वो गल जाएगा। लेकिन अगर मैं कुकर को गर्म करूँगा तो यहाँ पर जो वाटर होगा वो बॉयल होकर के और इतना बॉयलिंग पॉइंट होकर के फिर टेम्परेचर बढ़ेगा जो एटमोसफेरिक प्रेशर है, जैसे ही इसका प्रेशर डिक्रीज होगा तुरंत वो उड़ के ऊपर चली जाएगी। सपोज दैट वाटर जो आपका होता है, जो आपका वाटर होता है वो पानी, जैसे आप वाटर रख दो, पानी जिसको बोलते हैं, पानी अगर आप किसी प्लेट में रख दो तो पानी देखो ऊपर नहीं उड़ता, पानी रखा रहता है, पानी रखा रहेगा, ऊपर नहीं उड़ेगा। क्यों नहीं उड़ेगा? जैसे मैं हूँ, जैसे मेरा मार्कर है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इसे, तो मैं अचानक ऊपर उड़ने क्यों नहीं लग रहा हूँ? मैं इसलिए नहीं उड़ने लग रहा हूँ क्योंकि मेरा जो प्रेशर है, जो एटमोसफेयर का प्रेशर, उससे ज़्यादा मेरा प्रेशर है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ,
मेरा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसके प्रेशर से मेरा प्रेशर ज़्यादा है तभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। यदि मेरा प्रेशर उससे कम हो जाए तो मैं उड़ जाऊँगा ऊपर, भाप बन जाऊँगा मैं। तो जो पानी भाप बनता है उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम हो गया तभी वो भाप बनता है, तभी वेपर बनता है। इसमें ये कैविटेशन है, ये वेपर है। इसके फिनोमिना आपने पीछे समझे, बबल फॉर्मेशन, बॉइलिंग पॉइंट, ये वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे। सीन यहाँ से क्लियर हो गया। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखे हैं, वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन, ठीक है। इसको आज यहीं तक रखो, बहुत है इतना पढ़ने के लिए, कल दूसरी क्लास देखते हैं। आज वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन हो गया, ठीक है, ओके, थैंक्स, बाय बाय, शेयर लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। कल मिलते हैं दूसरी क्लास में।